बांदा के सर्राफ ज्वेलर्स के मनमोहन के चौकीदार को खाना खिलाते वक्त अन्ना जानवर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वॉचमैन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है और यहाँ पर क्या क्या घटना हुई बताइए। जी, मेरे पिताजी का नाम श्री मंगल प्रसाद तिवारी है और हम लोग बांदा के रहने वाले हैं, बांदा में ही रहते हैं अभी। ये हम लोगों का मवई है जहाँ मेरे पिताजी रहते हैं और हम सब लोग वहाँ बांदा में ही रहते हैं अभी। मेरे पिताजी इनके यहाँ काम करते थे और रोज़ की तरह ही वो पूजा करते थे, जो कि उनका रोज़ का काम था सुबह सुबह का। उन्होंने अपनी पूजा करी, पूजा करने के बाद वो रोज़ की तरह ही गाय को रोटी खिलाने के लिए गए, लेकिन जब वो रोटी खिलाने के लिए गए तो वो थोड़ा झुक गए थे, इस वजह से गाय ने उनको सींग मारा। और वो कौन सी दुकान में काम करते थे, दुकान का नाम? दुकान पे काम नहीं करते थे वो, गोनीलाल श्राफ के घर पे काम करते थे, मैनेजर थे। आप लोगों को कैसे घटना की जानकारी हुई? हमको फ़ोन गया था, तो मैं गाड़ी चला रही थी तो मैं फ़ोन नहीं अटेंड कर पाई, लेकिन मैं जब अपने गाँव पहुँची फिर मैंने वहाँ से फ़ोन किया आंटी को दोबारा से, तब मुझे आंटी ने ये बात बताई कि आप लोग तुरंत वापस आ जाइए। तो हम वैसे ही वहाँ पर वापस आए, जब हम आए तो यहाँ हमको सारी जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अभिजीत गोयल। क्या घटना हुई है? घटना ऐसी हुई है कि मंगल प्रसाद तिवारी जी हमारे यहाँ काम करते हैं, तो आए वो सुबह, उन्होंने पूजा करी, पूजा करने के बाद गाय को खाना खिलाते हैं हम लोग, तो गाय को खाना खिलाने जब गए तो गाय ने जो है उनको सींग से मारा, सींग मारने की वजह से वो गिर पड़े। गिरने की वजह से वहाँ पे और भी हमारे जो कार्यकर्मी, जैसे जो कार्यकर्मी हैं वो लोग आए, उन्होंने उनको उठाया, पानी उन्हें पिलवाया, थोड़ी देर वो लेटे तो जैसे उनको बेहोशी से हो गई। उसके बाद फिर हम लोग उनको, हमने ज्योति को फ़ोन किया, इनकी बिटियाँ हैं, उनको फ़ोन किया, काफ़ी देर लगाते रहे, फ़ोन लगा नहीं। तो फिर उसके बाद हम लोग उनको, मतलब मैं तो वहाँ नहीं था, जो लोग थे वो लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए, फिर हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर ने जो है ऐसा बताया कि नहीं थे। लगभग कितने बजे घटना है? 11 मतलब ऐसे ही होगी, मतलब 11 बजे मैं तो दुकान पे था, मुझे जो बताया गया वो बता रहा हूँ, तो 11 बजे करीब, 10:30-11 के आसपास फ़ोन आया था कि चोट लग गई है उनको और हॉस्पिटल। कहाँ कहाँ चोटें हैं आप लोगों ने देखी है? नहीं, हम लोग तो अभी आए हैं, मैं तो था भी नहीं वहाँ पे, अब देखेंगे तो समझ में आएगा क्या है। बताया जा रहा है उनके सिर में भी चोटें हैं। हाँ, तो सिर में चोट उसी वजह से है ना, तो गाय को खिलाने के लिए झुके, गाय ने मार दिया तो गिर पड़े। अब वो कहाँ गिरे, कैसे गिरे, वो तो वहाँ पे हम लोग घटनास्थल पे नहीं मौजूद थे। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा की तरफ से बांदा के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा उत्तराखंड के वरिष्ठ और निजी न्यूज चैनल के मुख्य संपादक उमेश कुमार और वरिष्ठ पत्रकार राजेश वर्मा, साथ ही SP सोमवाल के साथ कई लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया है। वहीं इस ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने बताया कि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार के द्वारा पत्रकारों की आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है और उन पर देशद्रोह जैसे मामले लगाकर उन पर कार्यवाही की जा रही है, इसका सभी लोग विरोध करते हैं और यह अपील करते हैं कि पत्रकारों के ऊपर हो रहे इस उत्पीड़न को जल्द से जल्द रोका जाए। का ज्ञापन दिया गया है आज पूरे बांदा जिले के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सारे पत्रकार साथी आज कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुए हैं और आज हमने DM साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रपति ज्ञापन सौंपा है। बांदा से KK न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।